हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल वंस अगेन। तो आज हम सबसे पहला न्यूज है टू साइड गेमर्स के बारे में। तो रिसेंटली ई स्पोर्ट के लाइव पे ऑडियंस के बीच में टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मतलब कि कोई पार्टिकुलर टीम के सपोर्टर्स दूसरे टीम के सपोर्टर्स को और दूसरे टीम्स को बहुत ज्यादा गाली दे रहे हैं। और ऐसे ही जब टीएसजी के परफॉर्मेंस भी एक आधी मैच में सही नहीं रहती तब उनको भी बहुत सारे लोग गाली देते हैं। तो उन सब के बारे में बात करते हुए ऋतिक भाई कल अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे कुछ ऐसा लिखे थे। गाइस, आई हैव बीन नोटिसिंग फ्रॉम फ्यू डेज टूर्नामेंट्स की चैट्स में एक टीम की पब्लिक दूसरी टीम के साथ बहुत टॉक्सिक हो रहे हैं। अपना काम प्यार फैलाना है, डोंट रिप्लाई। बच्चों को देख के बच्चे मत बनो, कीप ग्राइंडिंग, हैशटैग नो हेट टू एनीवन, सब अपनी जगह सही है। इफ यू गाइज वांट ईस्पोर्ट टीम टू ग्रो इन इंडिया, कीप पॉजिटिविटी, लर्न टू रिस्पेक्ट टीम्स, प्लेयर्स बी मैच्योर। और गाइज, आप लोगों से मैं एक बात कहना चाहूंगा, और वो ये है कि आगे से कोई भी न्यूज जो कि फ्री फायर कम्युनिटी के बारे में है वो आप मुझे सबमिट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में दिए गए फर्स्ट लिंक पे क्लिक करके, और उसके बदले में मैं आपको क्रेडिट्स दूंगा अपने वीडियो में और अपने डिस्क्रिप्शन में भी। एनीवे, बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। हम बात करने वाले ज्ञान गेमिंग के बारे में। तो कल वो अपने इंस्टाग्राम पे लाइव आए थे अपने जीएफ के साथ। वैसे ये अगर ज्ञान भाई हुए तो उसके हिसाब से ये कौन हुए, ज्ञान भाभी? मजाक कर रहा हूँ, सीरियसली मत लेना। तो ज्ञान भाई ये बोले कि वो उनके जीएफ की इंस्टा आईडी वगैरह अभी पब्लिक नहीं करेंगे। कुछ दिनों बाद वो कुछ स्पेशल चैलेंजेस वगैरह रखेंगे, उसके बाद ही वो उनकी आइडेंटिटी वगैरह रिवील करेंगे। तो उनके इंस्टाग्राम लाइव का एक छोटा सा पार्ट मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखो, छोटा सा दोस्त है, नन्ना सा, ठीक है। ये छोटा सा दोस्त है, ठीक है। और चाहो तो आप लोग किस मैडम से बात कर सकते हो। और अभी फिलहाल उनका ना इंस्टा आईडी मिलेगी ना मिलेगी यूट्यूब आईडी, ओके? कुछ नहीं मिलेगी, यूट्यूब चैनल में कुछ नहीं मिलेगी। उसके लिए एक चैलेंज है, वो चैलेंज में बोलेंगे, उसके बाद आप लोग सब कुछ पता चल जाएगी इस भूतनी के लिए। वहाँ पे तू रहेगा, मैं और किट्टी साथ में रहेंगे, ओके गैस? और मैडम को गैस झाड़ू पोछने के लिए बेस्ट होगा, बर्तन धोएगा क्या झाड़ू पोछ, ओके गैस? तो गैस यार, ओके गैस, एक किट्टी नहीं है, ओके? कोई बोल रहे थे किट्टी है, तो गैस भाई मार मुझे पड़ेगी यार, तू ऐसा करेगा तो मार मुझे पड़ेगा ना गैस। मुझे वो याद आ रही है यार, चाहे काक कितनी भी नहा ले और कितनी भी डिस्टेंस कर ले, काक ही रहता है हमेशा। गाइस, बढ़ते अगले न्यूज की तरफ। हम बात करने वाले पहाड़ी गेमिंग के बारे में। तो कल उनके लाइव स्ट्रीम पे किसी ने उनसे ये पूछा कि हम टूर्नामेंट्स के स्ट्रेटजीज वगैरह देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, पर आप लाइव स्ट्रीम में टूर्नामेंट्स क्यों नहीं खेलते हो? तो इसका जवाब देते हुए पहाड़ी काफी सही वाली बात बोले। तो क्या बोले थे उसका क्लिप मैं आपको प्ले करके दिखाता हूं। लाइव पे खेलो पहाड़ी भाई प्लीज ब्रो, दो मैच खेल पाऊंगा बिकॉज यार देखो, नहीं हो पाता पर टीम को दिक्कत होती है, गालियां देते हो। हाँ, अगर बूट पे बूट कैंप वगैरह पे होते तो एक बारी को कर भी लेते। और लाइव पे देखो सीन ऐसा होता है ना, अगर हम लोगों के मुंह से किसी के लिए गाली निकल गई, बेशक वो रेज में निकली है, ठीक है, वो हम चारों पे रहती है उस टाइम पे बातें, लेकिन अगर ये चीज हम लाइव पे करेंगे और गलती से किसी के मुंह से निकल गया भाई नूबड़ा यार मार गया, तुम लोगों को भी बुरा लगेगा और तुम लोगों को लगेगा कि यार क्या ईस्पोर्ट प्लेयर एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। तो ये चीज, ये रेज होता है, ठीक है, ये अब तुम नहीं समझोगे भाई, इसलिए मैं लाइव पे टूर्नामेंट नहीं खेलता बिकॉज किसी टीम को कुछ बोल दिया या कुछ हो गया ऐसा बात, तो फिर दिक्कत हो जाती है, कॉन्ट्रोवर्सी हो जाती है, समझ रहे हो? इस वजह से लाइव पे मैं बहुत ही कम टूर्नामेंट खेलता। अभी भी मैं दो मैच खेलूंगा, स्ट्रीम ऑफ कर दूंगा, सिंपल दो मैच रहेंगे, स्ट्रीम ऑफ। गाइस, बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। हम बात करने वाले बासु 777 के बारे में। तो एक फ्री फायर यूट्यूबर है विद ओवर 70,000 सब्सक्राइबर्स। तो उनके चैनल पे रिसेंटली 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई है, और जैसा कि आपको शायद पता ही होगा कि 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आने के बाद कुछ दिनों में ही चैनल यूट्यूब से डिलीट हो जाती है। तो अगर कुछ दिनों के अंदर उनके चैनल से स्ट्राइक्स नहीं हटे तो उनका भी चैनल टर्मिनेट हो जाएगा। इन्हीं सब कुछ के बारे में बात करते हुए वो एक कम्युनिटी पोस्ट किए थे। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके पूरा कम्युनिटी पोस्ट पढ़ सकते हो, या फिर उनके चैनल का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो और उनको सपोर्ट भी कर सकते हो। गाइस, बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। हम बात करने वाले ज्ञान ऋषभ के बारे में। तो अभी आप ये कहोगे कि किसका फोटो है, क्योंकि ऋषभ भाई तो अभी तक फेस रिवील नहीं किया। तो मैं आपको बता दूं, वो फेस रिवील कर चुके हैं कल। कल वो अपने चैनल पे 1 मिलियन स्पेशल Q&A वीडियो अपलोड किए थे फेस कैम के साथ। वही वो बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब दिए, जैसे कि वो हरियाणा स्टेट से बिलोंग करते हैं, उनके फैमिली मेंबर्स कौन कौन है और वो किसके साथ शादी करने वाले हैं। काफी फनी वीडियो है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल्सो उसी वीडियो का एक छोटा सा पार्ट मैं आपको प्ले करके दिखाता हूं। मतलब शक्ल दिखी गई ऐसा तो अलग बात है, छोड़ो यार, कई लोग बोल रहे थे गाइस उन्होंने पहले भी देखी है, लेकिन आज तुम्हारा भाई सामने है, देख लो यार। सो गाइस, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ऋषभ भाई आप यूट्यूब चैनल खोलोगे क्या? अरे गाइस, मैं यूट्यूब चैनल भी बनाने वाला हूँ। ये वीडियो गाइस आप टिकटॉक पे देख रहे हो, ये वीडियो टिकटॉक पे चल रही है गाइस, मेरा वीडियो, मैं अभी यूट्यूब चैनल कल खोलूंगा, सब्सक्राइब कर देना गाइस, ठीक है? ज्ञान ऋषभ के नाम से होगा यूट्यूब चैनल। ये वीडियो टिकटॉक पे देख रहे हो तो गाइस लाइक कर देना मेरा ये वीडियो को। बेस्ट साले भाई, ये यूट्यूब ही चल रहा है भाई, बंदा बोल रहा है यूट्यूब चैनल कब खोलोगे।
दूसरा और भी लिखा, दूसरा पढ़ते हैं। आप और आपकी वाइफ का फेसर विल कब है? गाइज ये मैं हूँ, मतलब मैं हूँ और मेरी वाइफ, मेरा आईफोन ये मेरी वाइफ है, हम दोनों टपाटप किया हम दोनों ने, तो ये निकल गया बीच में से, ठीक है गाइज। अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? तो हो गया फेसर विल सबका, हो गया ना। तीसरा सवाल, आपके कितने बच्चे हैं? भाई देखो मैं बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन गाइज मेरे जो बच्चे हैं वो एक ज्ञान भाई है, दूसरा मेरा रायस्टार है, अब स्नाइपर, स्नाइपर भाई तो चलो भाई है कोई नहीं। गाइज मेरे दो ही बच्चे हैं ठीक है, जिनको आप डेली देखते हो, एक है, एक का नाम ज्ञान सुजान है, एक का नाम रायस्टार है, दोनों अच्छा बच्चा भाई मेरा, मतलब रिस्पेक्ट करते हैं मेरे को यार। क्या बात करते गाइज, मैंने छुपा कर रखा था बट कोई नहीं, आज मैंने बता दिया, कोई नहीं। सो गाइस इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही न्यूज़ था। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।